आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जीमेल का यानी कि ईमेल का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं यदि आप भूल गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप दोनों तरीकों में से किसी न किसी तरीके से अपना ईमेल का यानी कि जीमेल का पासवर्ड पता कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे पहला तरीका हमारा है, इसके लिए हम यहाँ पे क्रोम ऐप में जाएंगे और क्रोम ऐप में जाके ऊपर आप ये जो तीन बिंदी देख रहे हैं आपको इन तीन बिंदी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अब आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड मैनेजर का, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पे हमारे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट रहते हैं सबके पासवर्ड सेव रहते हैं ज़्यादातर लोगों के मोबाइल में। जैसे हमारे मोबाइल में यहाँ पे फेसबुक का सेव है, हमारा यहाँ पे जीमेल का सेव नहीं है। यदि आपके जीमेल का सेव होगा तो आपका गूगल अकाउंट का पासवर्ड या जीमेल का पासवर्ड यहाँ पे लिखा मिल जाएगा, राइट। हमारा सेव नहीं है, यदि आपका सेव नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। यदि आपका सेव है तो आपको, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फेसबुक पे भी क्लिक करके बता देता हूँ, आपको क्लिक करना है यदि आपको मिल जाता है तो आपके गूगल के पासवर्ड पे, और यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट डालेंगे और यहाँ पे ये जो आई जैसा आइकॉन देख सकते हैं आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे हमारे फेसबुक का पासवर्ड यहाँ पे शो हो गया है, इसी टाइप से आपके गूगल का यानी कि जीमेल का पासवर्ड भी शो हो जाएगा। लेकिन मेरी ही तरह आपका भी यहाँ पे पासवर्ड यदि सेव नहीं है तो फिर उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको ये करना है कि आपको यहाँ पे अपने ईमेल के ऐप में यानी कि जीमेल के ऐप में चले जाना है। और जीमेल के ऐप में जैसे ही जाएंगे ऊपर आपको प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अब आप जिस भी अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड यानी कि जिस भी अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड पता करना चाहते हैं आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे हम इसका पता करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद में ऊपर प्रोफाइल आइकन पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऊपर साइड में स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको ये भी दिखेगा कि लास्ट आपने आपका पासवर्ड कब चेंज किया था। आप यहाँ पे जैसे ही पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो दो तरीके हैं इनमें से पहला तरीका तो हमारा ये था कि आप अपना पासवर्ड पता कर पा रहे थे यदि वो सेव होता तो, राइट। सेव होगा तो आपको दिख जाएगा आपका पासवर्ड लाइव, और यदि सेव नहीं होगा तो फिर दूसरे तरीके में हम यहाँ पे अपना पासवर्ड फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करने से क्या होता है कि जो हमारा पासवर्ड रहता है वो उसकी जगह पे हम न्यू पासवर्ड बना लेते हैं एक, और फिर जो हमारा न्यू पासवर्ड रहता है वही हमारी ईमेल आईडी का पासवर्ड हो जाता है। फिर इन फ्यूचर उसी पासवर्ड को डाल के हम लॉगिन हो सकते हैं अपनी ईमेल में। अब यहाँ पे हम फॉरवर्ड करेंगे पासवर्ड, पासवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए आपको यहाँ पे एक फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आप, हो सकता है आपको यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आए, आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना फिंगरप्रिंट डाल देना है या फिर आपको अपना स्क्रीन लॉक यहाँ पे डाल देना है इस टाइप से। या स्क्रीन लॉक के बाद में हो सकता है ये आपसे ओटीपी मांगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डालना है और ओटीपी डाल के फिर आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे आप अपना पासवर्ड न्यू जो भी आप बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड डाल दें, कंफर्म करने के लिए भाई पासवर्ड आप यहाँ पे दोबारा नीचे डाल देंगे और चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हमने पासवर्ड डाल के चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया यहाँ पे एक चीज लिखी आ गई है, प्लीज चूज ए स्ट्रॉन्गर पासवर्ड, ट्राई ए मिक्स ऑफ लेटर्स नंबर्स एंड सिम्बॉल्स। मतलब यहाँ पे अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए जिसमें कुछ लेटर्स हों, कुछ नंबर्स हों, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट द रेट है जैसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर हों, इन तीनों के मिक्सचर से आप आठ अंक से बड़ा पासवर्ड बनाइए और यहाँ पे पासवर्ड बना के आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो बन जाएगा सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, हमारा पासवर्ड सक्सेसफुल चेंज हो चुका है। यहाँ पे पहला तरीका हमने देखा जिसमें हमने अपना पासवर्ड देखा लाइव, यदि आपको दिखा जाता है तो आपका पुराना पासवर्ड भी आप देख सकते हैं, यदि आपको नहीं दिखता तो फिर यहाँ पे पासवर्ड आपको दूसरे ऑप्शन में जैसे कि हमने देखा कि फॉरवर्ड करना पड़ता है और फॉरवर्ड करके फिर हमने जो न्यू पासवर्ड बनाया अब यही हमारी ईमेल आईडी का न्यू पासवर्ड होगा, इसी से हम कहीं भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से यदि आपकी कुछ हेल्प हुई होगी, हेल्प हुई तो लाइक करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।